कदी कदी मु होचू हूँ कि वणी हादसा के बिना मारी जिंदगी न्यारी ही वेती। भाई जी सदा कह छा थार ताई भगवान ने नालो बनायो छे और सुंदरता खुशी और आनंद वासुई मले छे। मारा जीजी भाई जी की मौत एक बस एक्सीडेंट में हुई। वहां के गुजरबा के पाछे मारा दाद जी दादी मारताई पाल पोस रिया छा। लोग कहवे छा के म्हारो जन्म एक बड़ी राशि में होयो छे और म्हारो श्राप मारा माँ बाप की मौत को कारण बनियो छे। मने लागे छे कि यो म्हारो पाछलो जन्म को पापा को कर्म छे। म्हारा दाद जी दादी म्हारी शादी करार मुसे पिंड छुड़ाबा चावे छे। म्हारा ससुर जी मने चावे छा और वे म्हारो चौकी तनासु ध्यान भी रखाने छा। म्हारी सास मूसु या चावे छी के मैं आके ताई एक पोतो ही पैदा कर देऊं। पण मारी ननद बाई मने चावे कोनी छी अर मने लागे छे वा मूसु बड़े छे। जीसू मारी शादी होबा वाली छे उसे मने थोड़ी घबराहट होवी छी। जदसू मारा सुसर जी बीमार छा मारा आदमी के ताई घणो काम करनो पड़ियो छो ताकि वह परिवार की जरूरतों को पूरी कर सके। ई लेकर वहाँ पर घणो बोझ छो। मारो जीवन मारे लेके डर बन गयो छे अर मने पतो कोन छे के काई करनो छे। अगर मुँह माँ बनती तो शायद वे खुश होता पण मुँह माँ बन न सकी। घर में मारा सुसर जी के अलावा मने कोई न चावे छो। वह इतना बीमार छा के काई भी बोल कोनी सके छा। यो देख मारो जीव घणो दुख पावे छो। मारी सास मारे ताई धमकी दिया करे छी के अगर मारे छोरो न होयो तो वह मने घर सु बाहर खाट देगी। मारे पड़ोस में एक भली लुगाई सदा मने खुद के घर पे चाय पीबा काणे बुलाया करे छी। उकी खुद की जिंदगी मुसीबता के बाद भी
खुशहाल दिखे छी। मने अपनी भाईली प्रेमा सु पूछो के वह म्हारे जैसी लुगाई को अतनो ध्यान काई में रखाने छे। उन्हें कहो कि यो सदगुरु ईशु और वहाँ का चेला को मारक छे के दूसरा की जरूरता को ध्यान रखाने और उन्हें यो भी कहो के परमेश्वर मुसु प्यार करे छे और वह भी मुसु प्यार करे छे। मने प्रेमा से कहो कि वह मने भगवान ईशु का बारे में बतावे और उन्हें घनी दया सु भगवान ईशु के बारे में बतायो। उन्हें मारे ताई सत्संग में आबा को नोतो भी दियो जी में भगवान ईशु का बारे में बतावे छे। मने उस सत्संग का गुरुजी की आवाज चौकी तरह सु याद छे। सदगुरु ईशु भगवान सु खंदायो गयो अनंत उजाड़ो छे, जे भी विश्वास करेगो उक ताई पाप और मौत का चक्र सु बचाओगो। वहाँ को अनुग्रह अपनाबा सु माँ की जिंदगी सुंदर और खुशबूदार बनेगी। यो एक संदेशो छो जी के ताई मु अपनी आखी जिंदगी सुनबा के लेके तरसती रही छी। ई प्रार्थना का बोल महा के ताई सखावे छे के हे परमेश्वर महार ताई असत सु सत अंधेरा सु उजाला में और मौत सु अनंत जीवन में ले चाल। ईशु में महा की प्रार्थना की पूर्णता छे।
ઈશુ હી ગેલો સચ્ચાઈ અર જીવન છે જે મહાકે તાઈ મુક્તિ દેવે છે। વાને સમજાયો કે આપણ પરમેશ્વર શું સતગુરુ ઈશુ કા જરિયા શું કદેક ભી ઓર કઠી શું ભી પ્રાર્થના કર સકા છા। પરમેશ્વર કો અનુગ્રહ હી ઘણો છે માકી સેંદી જરૂરતા પૂરી કરબા કે લેકે। વાને મારે તાઈ બડાવો દ્યો કે મું સતગુરુ ઈશુ મહારાજ કે તાઈ આપણો ગુરુ બનાર જિંદગી ભર ભક્તિ પ્રાર્થના કેવલ વાંકી હી કરું। મને મહારાજા ઈશુ સુ ઊ રાત પ્રાર્થના કરી કે વે મને સચ્ચાઈ કા ગેલા પર ચલાવે, મને મુક્તિ દેવે અર સાતા સુ ભર દે। મું યો જાનર ઘણા અચરજ મે પડ ગઈ કે મું માં પણ બહાળી છું। યો જાનર મારો પરિવાર મોસું ઘણો ખુશ હોયો અર મારે તાઈ પાછો ઘર મે લે લ્યો। मरियम का यीशु लाडला सारे जगरा हो सारे जगरा तारन हार मारे घर आओ जी। हाथा में ईशु के की लठो क्या, हाथा में ईशु के की लठो क्या, बाकी पसली में भालो छिदाय मारे घर आओ जी। आओ आओ मारा ईशु राज मारे घर आओ नी। મારી એક છોરી પેદા હોઈ પણ મારે તાઈ હું કો મુંડો ભી દેખબો નસીબ ન હોયો। મારો બચ્ચો એક છોરી છી અર ઈ જુરમ કે લેકે ઉકે તાઈ મરનો પડ્યો। મારી સાસ ને મારી બચ્ચી કે તાઈ મારબા કો હુકુમ દિયો છો। કઈ મેં ઉકે તાઈ કતેક ભી માફ કર સકું છું મારી પેલી બચ્ચી કે તાઈ મારબા કે લેકે
काई मु कदेक भी खुद को ताई माफ कर सकूं छू? कोई ना। मारे ताई कोई गेलो ना दीख रियो छो, ई पाप का दलदल सु खड़बा के लेके। हार ताई भगवान ने नालो बनायो छे और सुंदरता खुशी और आनंद वासुई मले छे। मारा सुसर जी की तबीयत घणी बिगड़ी हुई छी और डॉक्टर ने बोलियो के वहाँ को उरात जिंदो रेबो भी मुश्किल छे। मारी सास ने मारे ऊपर इल्जाम लगायो के मुँह अपसगनी हूँ, वह मने भी मार बचावे छी जैसा उने मारी बच्ची के ताई मारियो छो। मने ऊपर घणो तरस आयो छो। मारी ननद बाई ने खुद का कड़वाहट भरिया बर्ताव के लेके मसु माफी मांगी और वहाँ का पछताप सु बड़र मार लेके कोई दूसरी कोई खुशी कोन छी। मने क्यों जशा महाराज ईशु ने महारा पाप क्षमा करिया छे, उषा ही मुँह भी थारे ताई माफ करूँ छू। परमेश्वर थाके ताई प्यार करे छे, अशा ही मुँह भी थाके ताई प्यार करूँ छू। तो माँ दोनिया ने मल प्रार्थना करी के भगवान ईशु मारा सुसर जी के ताई बेगा सु बेगा चोखा कर देव। अगर यह बड़ी घटना ना हुई होती तो हमारी जिंदगी कसी होती, पण अब उको कोई भी फर्क को नहीं पड़े। ईशु बड़ी से बड़ी हालत के ताई भी चौकी में बदल सके छे।